ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं भारत का सबसे बड़ा पार्क। इसी पार्क में मौजूद है भारत के 7 अजूबे। 480 एकड़ में फैला ये भारत का सबसे बड़ा इको पार्क है और ऊपर से भी आप काफी नजदीक से ताजमहल को देख सकते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक हमारे नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं भारत का सबसे बड़ा पार्क, जिस पार्क में मौजूद है दुनिया का 7 अजूबे। एक साथ एक बार में एक दिन में हम आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं भारत का 7 अजूबा। हम आप लोगों को दिखाते हैं, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो घूमना फिरना हर किसी को पसंद आता है, लेकिन जब बात आए दुनिया के 7 अजूबे का तो एक्साइटमेंट लेवल जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रहा नहीं जाता। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं कोलकाता में स्थित इको पार्क। कोलकाता के न्यू टाउन में स्थित है ये इको पार्क। इसी पार्क में मौजूद है भारत के 7 अजूबे। अभी हम टिकट लेके चलेंगे पार्क के अंदर और हम आप लोगों को दिखाएंगे एक साथ एक बार में भारत का वो 7 अजूबा जो कि इस पार्क में स्थित है। गाइस, तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। यह है कोलकाता का इको पार्क का टिकट काउंटर। चलते हैं टिकट काउंटर पे। तो टिकट हम ले चुके हैं, पर व्यक्ति 30 रुपया है टिकट चार्ज इको पार्क का। टाइमिंग की बात करें तो फिर से हम आप लोगों को बता देते हैं कि दोपहर 2:30 बजे से लेके रात 8:30 बजे तक ये पार्क खुला रहता। तो यहाँ पर टिकट चेक करने के बाद आप लोगों को अंदर एंट्री मिलेगा। चलते हैं अंदर और फिर हम आप लोगों को अंदर की सभी कुछ दिखाते हैं। यह है टिकट और कुछ इस तरह से यहाँ पे स्कैन किया जाता है, बस ये गेट खुल जाएगा। वाह, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। गेट पर जो टिकट मिलेगा वो इस तरह का कुछ स्कैनर रहेगा, वहाँ पे आप स्कैनर में लगाइएगा, ऑटोमेटिक गेट खुल जाएगा, फिर आप अंदर आ सकते हैं। देख सकते हैं फाइनली हम इको पार्क के अंदर आ चुके हैं। देख सकते हैं आगे का कुछ लुक इस तरह का आप लोगों को देखने को मिलेगा ये इको पार्क का। इको पार्क के अंदर गाइस जैसे ही आप लोग इन कीजिएगा एक और टिकट काउंटर मिलेगा। जी हाँ गाइस, देख सकते हैं ये टिकट काउंटर है 7 वंडर का। अभी हम टिकट लेके आ चुके हैं, मुझे नहीं पता था कि 7 वंडर का अलग से टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला, तो अभी हम ले चुके हैं। ये भी पर व्यक्ति 30 रुपया है टिकट चार्ज 7 वंडर का, जिसमें कि आप लोग भारत के 7 अजूबा आप लोग एक साथ देख सकते हैं। 480 एकड़ में फैला ये भारत का सबसे बड़ा इको पार्क। चलिए गाइस, अब हम आप लोगों को दिखाते हैं, हालांकि काफी बड़ा एकड़ में ये फैला हुआ है इको पार्क। घूमते आप लोगों को काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन शुरुआत हम करेंगे सबसे 7 अजूबे से, यानी कि इस जगह पे जो 7 अजूबा है शुरुआत हम उसी जगह से करेंगे। सबसे पहले हम आपको दुनिया का 7 अजूबा दिखाएंगे, फिर और भी कुछ इस जगह पे होगा वो दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू 7 वंडर। यहाँ पे जो एक बोर्ड लगा हुआ है इसमें आप लोगों को अंदर जो दिखाया जाएगा वो सभी का बोर्ड लगा हुआ है। एक एक करके ये सभी चीज़ को आप देख सकते हैं। ताजमहल भी आप लोगों को मिलेगा भैया। तो 30 रुपया का टिकट चार्ज में आप लोगों को ये सभी कुछ देखने को मिलेगा। ये 7 वंडर, इसी के अंदर आप लोग एक साथ आप लोगों को भारत का 7 अजूबा देखने को मिलेगा। के 7 अजूबे में सबसे पहले हम आप लोगों को ये दिखाएंगे। देख सकते हैं इसके अंदर जो है गुफा भी है। साइड से अगर आप लोग इन कीजिएगा सबसे पहले आप लोगों को ये मिलेगा, जिसके अंदर भी जाके आप लोग देख सकते हैं गुफा है और उसके माध्यम से यहाँ पे गेट है और इसके माध्यम से अंदर जाके देख सकते हैं। हालांकि हम आप लोगों को अंदर जाके दिखाते हैं कि आखिर अंदर है क्या। गाइस, तो अभी हम गुफाओं वाला रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। गाइस देख सकते हैं ये गुफा के अंदर रेस्टोरेंट है, जिसमें आप लोगों को खाने पीने का सारा सामान मिल जाएगा।
एक और सेवन वंडर है जो कि राजस्थान के कोटा में, कोटा का सेवन वंडर पार्क हम जा चुके हैं, वीडियो भी बहुत पहले अपलोड कर चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। वो भी सेवन वंडर घूम चुके हैं, काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे वरुण धवन का भी मूवी शूट हुआ था। ये लोकेशन भी काफ़ी गजब का है, लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि राजस्थान और यहाँ दोनों की बात करें तो भैया राजस्थान से ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस जगह पे जो भी चीज़ है वो सभी जगह पे आप लोग जाके घूम सकते हैं, पास जा सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है, राजस्थान में आपको दूर से ही देखने को मिलेगा, नहीं उसके करीब जा सकते हैं, आना अच्छे से फ़ोटोशूट करवा सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये जगह बहुत ही बेटर है, क्योंकि हम वहाँ पे पास देख सकते हैं, अभी हम बहुत पास हैं और आप लोग भी आइएगा तो उसे बहुत पास से देख सकते हैं, फ़ोटोशूट करवा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, हालांकि इसके बारे में भी देख सकते हैं, यहाँ पे सभी चीज़ डिटेल में लिखा गया है, वीडियो में आप देख लीजिएगा। सेवन वंडर का सबसे आकर्षक का केंद्र है ये आगरा का ताजमहल। गाइस बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। यहाँ गाइस मेरे पीछे आगरा का ताजमहल नहीं है, ये कोलकाता का इको पार्क का ताजमहल है, लेकिन हूबहू जो है आगरा का ताजमहल जैसा बनाया गया है। आप लोग अगर दूर से देखते हैं या नजदीक से भी देखते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को रियल ताजमहल जैसा लगेगा। इस पार्क का सबसे आकर्षक का केंद्र है ये ताजमहल। ऐसे तो अभी हम इसके ऊपर भी चलेंगे, देख सकते हैं काफ़ी लोग ऊपर भी जा चुके हैं, तो हम पहले नीचे से आप लोगों को दिखाएंगे, फिर ऊपर चलेंगे, क्या है इसका खूबसूरती वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। देख सकते हैं बहुत ही गजब का ये लग रहा है देखने में। ताजमहल के ऊपर आ चुके हैं, अभी तक रियल लाइफ में रियल ताजमहल को तो नहीं देखे, लेकिन अभी हम यूको पार्क का ताजमहल देख चुके हैं और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ऊपर भी आने को मिलता है और ऊपर से भी आप काफ़ी नज़दीक से ताजमहल को देख सकते हैं, छू सकते हैं। और ताजमहल के साथ साथ यहाँ पे और भी भारत का सात अजूबा है, वो भी जगह पे भी हम जाएंगे दिखाएंगे। हालांकि अभी तक जो भी कुछ दिखाए हैं वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के, और आई होप आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस साइड और भी जगह है जो कि हम अभी आप लोगों को दिखाने वाले हैं, देख सकते हैं ताजमहल को हम काफ़ी नज़दीक से आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसके अंदर जो रियल में ताजमहल में है वैसा ही सेम टू सेम सभी कुछ को बनाया गया है, दर्शाया गया है। सात अजूबा में से गाइज एक कोलोजियम के अभी हम अंदर आ चुके हैं, और अंदर में देख सकते हैं गाइज जैसा रियल है बिल्कुल वैसा ही दर्शाया गया है। आप शायद देख सकते हैं यहाँ से, ये महसूस कर सकते हैं कि रियल में कोलोजियम कैसा होगा, हूबहू बिल्कुल रियल जैसा ही सभी कुछ को दर्शाया गया है, बनाया गया है। आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, चारों तरफ से आप लोगों को रास्ता मिल जाएगा। और सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे एक ही चीज़ लग रहा है गाइस, सभी जगह पे आप जाके अंदर से बाहर से भी आप देख सकते हैं। अब हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इस जगह का सबसे खूबसूरत और सबसे आकर्षक जगह। देख सकते हैं चारों तरफ फूलों से सजा ये चाइना का दृश्य यहाँ पे बनाया गया है, और इसमें जो है एक रास्ता इस साइड से है और एक रास्ता इस साइड से, यानी कि इस साइड से आप इन कीजिएगा इस साइड से बाहर आ सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। अभी दो बाहर से आप लोग देखिएगा तो चारों तरफ आपको फूल ही फूल नज़र आएगा, यानी कि बहुत ही बेटर जगह आप कह सकते हैं इस जगह का। तो इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, भैया एक्साइटमेंट लेवल जान रहे हैं, मतलब बता ही नहीं सकते हैं, घूम घूम के तो मज़ा ही आ गया, और अभी और भी जगह पे घूमना बाकी है। ऊपर आके गाइस आप लोग एक साथ दुनिया के सातों अजूबों को काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, हालांकि इसका हाइट थोड़ा सा ऊंचा है, इसी वजह से इस जगह से आप लोग फोटो भी काफ़ी अच्छा क्लिक करवा सकते हैं, और इस जगह से आप लोगों को सभी कुछ जैसे कि ताजमहल एवं सातों अजूबा को काफ़ी अच्छे आकर्षक से काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। गाइस दोनों बारिश जो है एक साथ ही आ गया है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, चारों तरफ से फुहारा जो है चालू हो चुका है और रियल में भी बारिश होने लगा। हालांकि जब ये चालू हो चुका है तो काफ़ी और भी ज़्यादा आकर्षक लगने लगा है देखने में।
तो भैया बहुत ही गजब का ये चालू हो चुका है तो लगता है देखने में, और रियल में भी बारिश हो गया है, तो थोड़ा वेट करते हैं फिर आगे दिखाते हैं।